अपने सामने रखे हुए कागज को उठा ले। उस पे बने चित्र वाले हिस्से को बाहर की तरफ रखते हुए पन्ने को मोड़े। अब यह कागज आधा हो चुका है। इस कागज के दोनों हिस्सों को इस प्रकार से मोड़े। ध्यान रखें कि दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। बचे हुए कागज के ऊपर वाले हिस्से को ऊपर की तरफ मोड़ें, पीछे वाले हिस्से को पीछे की तरफ मोड़ें। अब आपके सामने टोपी नुमा आकृति बन गई है। अब बाहर निकले हुए चारों कोनों को अंदर की तरफ इस प्रकार से मोड़ें। इस आकृति में अपने हाथ की उंगली को इस प्रकार से बाहर की तरफ खींचते हुए मोड़ें। अब आपके सामने एक चतुर्भुज तैयार है। इस चतुर्भुज के नीचे वाले हिस्से को आधा ऊपर की तरफ और आधे हिस्से को पीछे की तरफ मोड़ें। अब दोनों आधार के बीच को पकड़कर बाहर की तरफ खींचें, जिससे एक टोपी नुमा कागज का तंबू तैयार है। इसके सारे मानक पूर्ण हैं। ऊपर का हिस्सा नोकीला है और लिखे हुए शब्द दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।